ये सब क्या है? ए, तू होता कौन है पूछने वाला? स्टूडेंट। अच्छा, तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे? तू खड़े खड़े देख। क्लब में कल ये मेरे से टकराए और मैंने बिना देखे इनका कॉलर पकड़ लिया। एक को मारने के लिए इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग ना हो ना तो तू कुछ नहीं कर सकता है ना। अच्छा, ये तुझे देख के डर रहे हैं? मैं डर रहा हूँ? अच्छा, तुम सब पीछे जाओ रे। आजा, आजा। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? हाँ, तेरी खास गर्लफ्रेंड को जरा सा छूते ही तुझे गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़ रहा है और तू पीछे जा रहा है? हाँ, मतलब तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे से ताकतवर आदमी अगर टच करेगा या कुछ भी करेगा तो ओके ना? सामने वाले की हिम्मत तोड़ने के लिए अपने अंदर की जो ताकत और आग है ना, उसे ज्वालामुखी बनाना पड़ता है। ए मुन्ना, एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला ले, सामने नहीं आ रहा इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है, बैटरी चार्ज हो जाएगा। इस राहुल की तरफ आग उठा कर देखने वाला इस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। तू क्या सोचता है कि कोई हाथ उठाने वाला नहीं है? ले मार! ले मार! 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 मुझे! मार! ले मार! 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 ए, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना। अंदर कितना दम है वो भी नहीं जानता। ए, तू अभी तक ये नहीं जानता मैं कौन हूं। कौन है रे तू? दो पाव, दो हाथ, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक नाक, एक सिर जो शरीर के ऊपर होता है उसी से पैदा होता है ना तू? उसका नाम है काका। काका क्या उखाड़ लेगा रे वो मेरा? राहुल, क्या हुआ, लंगड़ा के क्यों चल रहा है? कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया था। तेरे ऊपर हाथ उठाना राहुल मतलब मेरे ऊपर उठाना है। काका के बेटे को मारा है? कौन है वो, बोल कौन है वो? मारा नहीं पापा, मार खिलवाया। राहुल आपका बेटा है, उसे पता नहीं है। पता होने के बावजूद भी कौन है वो? लगता है
पर्सनैलिटी तो अच्छी खासी है, कॉलेज में एक दो को मार के शेर बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों हीरो, तूने गलती किया? गलती काका के बेटे को मार खिलवाई। तूने ये जो कुछ भी किया है ना बच्चे, उसके लिए हम तुझे यही मार के फेंक सकते हैं, पर उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कल कॉलेज आ जा और जिन स्टूडेंट के सामने तूने राहुल को मार खिलवाई, काका तुझे तेरी जान बख्श देगा, फिर से तुझे जीने का एक मौका देगा। क्या समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आया, तुझे समझ में आया? उसे पुलिस स्टेशन में बैठा कर उसकी पूजा कर रहा है, डाल दे उसे अंदर। अगर वो अकेला आता तो ऐसा ही करता। और कौन आया? ये उन सब लोगों का लीडर बन चुका है, और वैसे भी ये जाएगा कहाँ? कोई भी केस में अंदर कर दूंगा इसको। श्रीमान सारे क्या रे,
इस लड़के को क्यों लेके आया? कल रात को हॉस्टल में झगड़ा हुआ सर। झगड़ा तो दो गुटों के बीच हुआ था, बाकी के लोग कहाँ हैं? काका के आदमी है ना, हिम्मत नहीं है तुझे लाने की? पहले उनको लेकर आना, फिर इसको लॉकअप में डालना। सॉरी सर। तुम्हें पता था या नहीं था कि तुम काका का विरोध कर रहे हो? कम से कम उसके दिल में डर तो बैठ गया होगा। तो क्या अब इस टॉपिक को राजनीति बनाएंगे? काका का भय तुम्हारे दिल से खत्म न हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आया। कल जो हुआ उससे मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई फायदा हुआ होगा, और काका के मेरे बीच का जो झगड़ा है वो पर्सनल है। मुन्ना, राम ने रावण को मारा सीता के लिए, ये उनका पर्सनल मैटर था, और फिर रावण के मरने से लोगों का कल्याण हुआ, राम भगवान हो गए, समझे तुम? उस मुन्ना को कॉलेज से लेकर श्रीनिवास तक की सपोर्ट पहुंच गई है। काका, उसे ऐसे छोड़ दिया क्या तो करेगा वो? अगर ऐसे बच्चों पे हम ध्यान देने लगेंगे तो उसे बढ़ावा देना होगा, उसे भूल जाओ। हमें तो ये सोचना चाहिए, जो हमारे हर छोटे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है, उस श्रीनिवास राव का क्या करें? मुझे मुझे इधर इधर पास कर, देना देना, ए दादा गुड, इधर 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 मुझे दे, पास कर, वेरी गुड, अरे मुझे दे, ए गुड, हाय हीरो, हाय, मुझे बुलाया? ये तरीका क्या है बुलाने का? हीरो, हैंडसम, टॉर्जन, अलेक्जेंडर, ये सब मुझे पसंद नहीं है, कुछ नया सोचो, मुझे मेरे नाम से बोलो। इडियट, इस डू आई ओनली तुमसे, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे ही बुलाती थी। हटो मेरे सामने से। ये क्या, सडनली तुम हीरो बन गए? कल कॉलेज में राहुल को मारा, रात को हॉस्टल में फाइट किया, पुलिस स्टेशन, पूरी यूनिवर्सिटी तुम्हारे बारे में बात कर रही है। मुन्ना, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? क्यों मतलब? बताओ किस लिए? मार डालेंगे बस इतना ही, यही हमारी कमजोरी, उनके लिए ताकत है। अगर हम लोग उनसे नहीं डरेंगे तो वो लोग हमसे डरेंगे। ये क्या, बिल्कुल बदल गए तुम, पहले वाले मुन्ना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। अचानक से अट्रैक्टिव हो गए हो, पता है क्या? अट्रैक्टिव? देखो ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड से मत करना, फील करेगा बेचारा। मुन्ना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। स्टॉप इट, बी सीरियस। यूजलेस फेलो, यूजलेस फेलो। निधि इतना सीरियस बात कर रही है और तू हंस रहा है? हाँ, देखो निधि, इस तरह जल्दी डिसीजन नहीं लेते, पछताना पड़ सकता है। मैंने गलत क्या किया? सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हें पता है? क्या सोचेंगे? अरे सेकंड हैंड केस सोचेंगे। क्या कहते हो? देखो, माँ बाप ने लड़का पसंद किया और तुम्हें पसंद नहीं आया तो लोग समझ सकते हैं, पर तुमने पसंद किया लड़के के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो लोग समझेगा उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी बात मान और जरा समझ के उसके साथ सेट हो जा। ओके, बाय।